नमस्कार, एनटीवी निष्पक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक शर्मा। मजहबी जंग अक्सर हमें देश में देखने को मिलती है। मजहब के लिए पक्ष और विपक्ष में तकरार हमें देखने को मिलती है। तमाम खबरें मिलती हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ी गई, मॉल में नमाज पढ़ी गई, पार्कों में नमाज पढ़ी गई। ऐसी पहले खबर थी कि यूपी के लुलू मॉल में नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई थी। ऐसी एक और खबर सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल बरेली से कौशाम्बी जाने वाली एक बस को रोककर नमाज अदा की गई। क्या है पूरा मामला ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। बहुत आपकी बात मार रहे हैं। सही नहीं रहता जी, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। उनने चलो हम बहुत आपकी मार रहे हैं। उनने पहले हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों, आपने माना क्यों है बात? नहीं, बरेली में कहा कि दो घंटे के लिए रोक दे, दो सवारी के लिए आप ये मान लोगे, बस रोको, ये मान लोगे? नहीं नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है। ये यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी है। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात। एक बात बताओ मुझे। नहीं नहीं, सारी बात छोड़ो, यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सबसे बड़ी बात ये बताओ, यहाँ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? तो आपने देखा कि ये वीडियो एक अंधेरे और सुनसान जगह का है, जहां इस बस को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि दो लोगों को नमाज अदा करनी थी। दरअसल बरेली से एक रोडवेज की बस कौशाम्बी के लिए रवाना होती है, लेकिन रास्ते में बस को रोक दिया जाता है नमाज पढ़ने के लिए। बस में बैठे बाकी यात्रियों ने इसका विरोध किया और चालक से पूछा कि आपने इस बस को क्यों रोका है, और ऐसे सुनसान जगह पर बस को तो नहीं रोकना चाहिए, कुछ भी हादसा हो सकता है। जैसे ही ये खबर प्रशासन तक पहुंची, बस के कंडक्टर और बस के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया। मामला क्या है? इसमें यह है कि बरेली डिपो की एसी जनरल बस थी, जो कि दिल्ली जा रही थी। रास्ते में मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे पास जो आया हमारे एआरएम है बरेली डिपो के, उनके पास भी फ़ोन आया कि बस को रोक लिया गया है, मतलब बस को रोका गया है, कोई नमाज पढ़ रहा है। तो इस पर कुछ यात्रियों ने आपत्ति जताई और मुझे कॉल भी किया, तो मैंने तत्काल एआरएम बरेली को निर्देश दिया कि तत्काल बस को रवाना करिए और उन चालक प्रचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करिए। तो उन्होंने चालक नियमित था उसको सस्पेंड कर दिया है, और परिचालक संविदा था उसकी संविदा समाप्त कर दी। तो क्या निकला जांच में, क्या अभी तक जानकारी आया सामने, इन्होंने क्या किया था जो आरोप लग रहे थे? ये एक्चुअली में एक जनरल रहा होगा, जो उन्होंने बताया कि बस को उन्होंने कहा दो मिनट रोक लीजिए, कुछ का काम है, वो रोका गया होगा, वो जाके अपना नमाज वगैरह कुछ पढ़ने लगे होंगे। तो क्या रोड पे नमाज पढ़ रहे थे क्या, या अब इसकी विस्तृत कुछ ऐसा मेरे पास वो नहीं आया मुझे वगैरह ना। कितने लोग थे वो नमाज पढ़ने वाले? अब ये तो जांच अधिकारी जो है, नियुक्ति अधिकारी जो बैठे हुए हैं, वो पता। अब सवाल ये उठता है कि चलती बस को रोककर नमाज पढ़ना कितना सही है? हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। आज किसी ने नमाज के लिए बस को रुकवाया है, कल कोई पूजा पाठ करने के लिए बस को रुकवा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, प्लीज अपनी राय जरूर दें, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी दीपक शर्मा के साथ, और देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष।